वेलकम फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद ठाकुर एंड वेलकम टू फ्लाई एकेडमी। अभी एग्जाम चल रहा है, 12th के 10th के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं आपके, तो सबसे ज्यादा परेशानी स्टूडेंट्स को कहाँ आती है कि भाई जो गैप मिला हमें पेपर के बीच में, उसमें हम किस तरीके से प्रिपरेशन करें। तो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। ये जो टाइम होता है मोस्टली ये आपका हार्ड स्टडी करने का बिल्कुल नहीं होता, ये टाइम होता है आपका स्मार्ट स्टडी करने का। अब स्मार्ट स्टडी से क्या है, आपको पढ़ाई करनी है अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट। जी हाँ, जैसे कि आपका ब्लूप्रिंट पेपर में पेपर जिस तरह से आता है आपका, उस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे सपोज करो कि आपके पेपर में ऐसे मोस्टली 3 दिन या 4 दिन का गैप मिलता है या 2 दिन का गैप मिलता है, 2 दिन का गैप मिलता है या 3 दिन का गैप मिलता है या 4 दिन का गैप मिलता है। तो मैं आपको अलग अलग तरीके से बताता हूँ कि आप किस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। अगर आपको 2 दिन का गैप मिला है पेपर में, 2 दिन का गैप मिला है, तो आप किस तरीके से करेंगे, आप ये देखें कि सपोज कर 2 दिन के पेपर में गैप हमेशा आपको लैंग्वेज वाले पेपर में ही मिलता है। जैसे अगर मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री अकाउंट्स का पेपर होता है, उसमें आपको एटलीस्ट 3 दिन का या 4 दिन का गैप मिल जाता है, 2 दिन का नहीं देते, लेकिन फिर भी मैथ्स या फिजिक्स में कभी कभी आपको 2 दिन का गैप भी मिल जाता है। इसमें आप किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पहले दिन जो 2 दिन का गैप मिला है, उसमें पहले दिन आपको क्या करना है, आपको जो पहली बात ध्यान रखें पेपर के टाइम पे, वो बिल्कुल नहीं पढ़ना है जो आपको नहीं आता है। अब वो नहीं आता उसको छोड़ दो, खत्म करो, जो आपको आता है केवल आप वो ही पढ़ेंगे। जैसे कि सपोज करो कि आपका जो पेपर, इसमें आपके जितने आपको फर्स्ट डे में आपको कोशिश करनी है कि आप जितना सिलेबस खत्म कर सके अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट। आपको ब्लूप्रिंट के अलावा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आईएमपी क्वेश्चंस करने हैं आपको। प्रीवियस ईयर में जो आए, पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक पता चल जाएगा कि नहीं भैया मेरे को इस तरीके से पेपर आता है। बाकी आपको करना है ओनली आईएमपी क्वेश्चंस। उसमें भी आपको कैसे करना है, पहले दिन आप क्या करेंगे, पहले दिन आप जो आपको नहीं आता, जो आपको टफ लगता है, ऐसा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपको किस तरीके से पढ़ना है, आपको पहले कवर करना सिलेबस। तो कैसे करना है, पहले सपोज करो कि 20 चैप्टर है, तो आप पहले कोशिश करें कि आपके ज्यादा से ज्यादा चैप्टर खत्म हो जाए। ऐसा नहीं कि 2 दिन का गैप है तो आज 10 और आज 10 करो, ऐसे नहीं करना। आप क्या करो ज्यादा से ज्यादा पहले ही दिन खत्म करो, ताकि दूसरे दिन वो स्ट्रेस नहीं रहे कि यार मेरा भी सिलेबस नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो आप क्या करेंगे, पहले दिन ज्यादा से ज्यादा खत्म करो, और पहले दिन वो पढ़ो जिसमें आपको प्रॉब्लम है, परेशानी है, या आप उसमें थोड़ा प्रैक्टिस की नीड है, तो आप उसको करें। सेकंड डे में आपको क्या करना है, सेकंड डे में आप ऐसे चैप्टर को सिलेक्ट करो जो आपको आते हैं पहले से ही, बस आपको रिवाइज करना था, और उनको आप रिवाइज करें। ये आपको 2 दिन में जो आप स्टडी करेंगे, इसे 2 दिन का गैप है, आप उस तरीके से स्टडी करेंगे। अगर आपको 3 दिन का गैप मिला, तो उसमें आप क्या करेंगे, जैसे सपोज करो आपको मैथ्स का पेपर है और आपको 3 दिन का गैप मिला है, तो आप किस तरीके से पढ़ाई करेंगे, पहले दिन आप आधा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। सपोज कि 20 चैप्टर है, तो 10 चैप्टर आज खत्म करेंगे, फिर दूसरे दिन आप क्या करेंगे, बाकी के 10 चैप्टर आप उस दिन खत्म करेंगे। आप यानी कि 3 दिन के साथ पढ़े, आप मान के चलो आपको 2 दिन का गैप मिला है, फिर आप तीसरे दिन क्या करना है, तीसरे दिन पूरा रिवाइज करना है, जितना भी उसका पूरा रिवाइज करना है। पहले और दूसरे दिन आपको सिलेबस खत्म करना है, और तीसरे दिन आपको सिर्फ रिवाइज करना है, ताकि आपको पेपर के दिन स्ट्रेस ना रहे। चौथे दिन अगर आपको सपोज 4 दिन का गैप मिला है, वैसे मोस्टली मिलता नहीं है, अगर मिलता है बहुत अच्छी बात है, 4 दिन बहुत होते हैं एग्जाम टाइम, अगर 4 दिन का गैप मिला है, तो आप यही करें, पहले 3 दिन आप सिलेबस खत्म करें और आखिरी के दिन आप सिर्फ उसको रिवाइज करें, सिर्फ रिवाइज। आपको पूरा आता है, और आपको अभी भी कह रहा हूँ, आपको जो नहीं आता उस पर दिमाग ना लगाएं, जो आता है उसी को ही पढ़ें, और ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, जो आता है उसी को पढ़ेंगे, तो आप बिल्कुल अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। आपने साल भर जो प्रिपरेशन करी है, अब जो हो गया तो हो गया, जितना है उतना ही करें तो बेटर है। तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है गैप में, और आपको ज्यादातर सॉल्व आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो प्रीवियसली आपके पिछले 5 साल के पेपर में जो आए हुए हैं, आप उनको सॉल्व करेंगे, तो आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पिछले 5 साल के क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे, ऐसा नहीं है, और ना ही ऐसा होता है, लेकिन हो जाता है तो उसे एक आइडिया लग जाता है, मोस्टली उस जैसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो ओपीवाइज आपको ये टिप्स मिल गए होंगे, ट्रिक आपको पसंद आए होंगे, तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ कमेंट करें, ताकि आपको कैसा लगा ये वीडियो, आपको टिप्स पसंद आए कि नहीं आए। आप हमें लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।